प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स की सीरीज में आखिरी क्वाड्रिलेटरल काइट के बारे में पढ़ेंगे। एक लाइन में सबसे पहले जब आपसे काइट की डेफिनेशन पूछी जाएगी, तब आपको सिर्फ ये बता देना है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है काइट, जिसमें टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। रफली एडजेसेंट साइड का मतलब अगर आप लोगों को ना पता हो तो दो पास पास की साइड, जैसे ये ए बी है, ए बी के पास बी सी, और यह है एडी, एडी के पास सीडी। तो ए बी बी सी इक्वल हो अगर, और एडी और सीडी इक्वल हो अगर, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम काइट कहते हैं। ये एक लाइन में बस आंसर है। इसके बाद में काइट में सबसे ज्यादा और बच्चों को थोड़ी कठिन लगती हैं प्रॉपर्टीज इसकी, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। मैंने आप लोगों को हमेशा ही बताया है कि तीन चीजों के बारे में बात करिए, तो मैंने आप लोगों को साइड्स के बारे में तो बता दिया। अब हम नंबर आता है एंगल्स पर। हर क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल होते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें एक एंगल ए है और एक एंगल सी है, एक एंगल बी है और एक एंगल डी है। इसके एंगल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अब वो वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल कौन से होंगे, उसके लिए मैं आपको हमेशा के लिए पहचान बता देती हूं। इसमें दो डायगनल बनते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो छोटा डायगनल होता है उसके वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहे होते हैं वो वाले एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए एंगल सी के बराबर होता है। जबकि बड़े डायगनल पर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं, यानी एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। ये बात तो अब एंगल्स की हो गई। इसके बाद नंबर आती है डायगनल्स की बात। डायगनल्स दो होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, ये तो बता ही दिया। डायगनल्स एक दूसरे को सिर्फ परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। मैंने बाइसेक्ट वर्ड यूज नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ में जब इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, यानी ओ पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। लेकिन बाइसेक्ट करने का भी वर्ड हमें एक जगह बताना पड़ेगा। बहुत मुश्किल प्रॉपर्टीज है काइट की। कैसे बाइसेक्ट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो बड़ा वाला डायगनल होता है वो छोटे वाले डायगनल को बाइसेक्ट करता है। यानी छोटा डायगनल है हमारा एसी, एसी को बड़ा वाला डायगनल बीडी बाइसेक्ट करके एओ को सीओ के बराबर कर देता है। ये मैंने देखिए बराबर का साइन भी लगा रखा है। तो ये तो हो गई आपकी डायगनल के बारे में इस तरह की प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी, अब हम डायगनल के बारे में बात करते हैं। ये जो बड़ा वाला डायगनल होता है वो इंटीरियर एंगल बी और डी, यानी कि बड़े वाले डायगनल के वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहे होते हैं उन एंगल्स को बाइसेक्ट कर देता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि एंगल बी और एंगल डी बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो डायगनल है वो एंगल बी की वैल्यू कुछ भी हो, मान लिया 60 डिग्री है एंगल बी की वैल्यू, तो 60 नहीं, मान लिया हम लोग मान लेते हैं 100 डिग्री है एंगल बी की वैल्यू अगर, तो इस 100 को 50-50 कर देगा। और अगर इस वाले एंगल की वैल्यू मान लिया 50 डिग्री है तो ये इसको 25-25 कर देगा। यानी बी और डी एंगल इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये डायगनल इनकी जो भी वैल्यू है उसको आधा कर दे रहा है। उम्मीद है ये बात पॉइंट समझ में आ गया होगा। बट एंगल ए और सी हमेशा बराबर होंगे, यानी अगर ये 90 है तो ये 100 है तो ये भी 100, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक, अब एक और प्रॉपर्टी, ये जो डायगनल बी डी है ये इस पूरी काइट को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ट्रायंगल का नाम है बी ए डी और बी सी डी, और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर आप लोगों को कॉन्ग्रुएंट का मतलब नहीं पता है तो मैं अभी तो नहीं बताऊंगी, फिर भी रफली ऐसा बता देती हूँ। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब होता है दो ऐसे ट्रायंगल, अगर हम जिन्हें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना चाहें, पूरा पूरा ढकना चाहें, तो वो एक दूसरे को कवर कर लेंगे। और कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है कि एक ट्रायंगल के छह एलिमेंट्स में से कोई भी तीन एलिमेंट अगर इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। उसके रूल्स होते हैं वो बाद में। इस तरीके से ये वाला ट्रायंगल जो मैंने कलर किया है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है। फिलहाल आज काइट की ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी जो थोड़ी कठिन थी, फिर भी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आपके पास। टिल देन बाय।